नमस्ते। भगवद गीता के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 6 की, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि कौन सा उद्देश्य अधिक उपयुक्त होगा, उनका हमें जीतना अथवा हमारा उन्हें जीतना। हमारे विरुद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, जिनकी मृत्यु हमारे जीवन को निरर्थक बना देगी। तो यहाँ पे बात समझने की ये है कि जो यहाँ पे स्थिति दिखाई है अर्जुन की, वो स्थिति कुछ ऐसी है जहाँ पे अर्जुन जो है अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं में जकड़ा हुआ है और उसको लगता है कि वो कभी भी इससे जो है बाहर नहीं आ पाएगा। बात यह है कि हमारी जो आदतें हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं, वो हमने जन्मों जन्मों जो हैं उनको इकट्ठा करा है। और जिस स्थिति की जो है भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, वो स्थिति कुछ ऐसी है जहाँ पे जो है आप इन सब इच्छाओं वासनाओं से जो है मुक्त हो जाएंगे। तो इस वक्त जो है अर्जुन को यही लगता है कि वो कभी भी इनको छोड़ नहीं पाएगा, कि वो कभी भी जो है इनसे बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस गीता के श्लोक के अंदर भी जो है अर्जुन की जो है ऐसी स्थिति दिखाई जा रही है जहाँ पे वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, असमर्थ महसूस करता है। तभी अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं, मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि कौन सा उद्देश्य अधिक उपयुक्त होगा, उनका हमें जीतना अथवा हमारा उन्हें जीतना। एक वो जो एक असमर्थ स्थिति जो है अर्जुन की यहाँ पे जो दिखाई जा रही है, वो स्थिति कुछ ऐसी है कि उसको जो है लगता है कि अच्छा ये हो कि मैं अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं के साथ ही अपने जीवन को बिताऊं, क्योंकि अब तक जो है अपने जीवन में उसने वही जाना है। इसलिए उसको लगता है इनको छोड़ के जो है वो बिल्कुल भिखारी की तरह हो जाएगा, कि उसके जीवन में सारा रस जो है चला जाएगा। उसको लगता है अपनी इंद्रियों को त्याग कर जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ याद रखने की है कि अर्जुन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे मन की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे जब कृष्ण जो हमसे जो बात कर रहे हैं वो परमात्मा के रूप में है, वो हमारी आत्मा के रूप में है। और यहाँ पे कृष्ण जो है आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपका असली स्वभाव क्या है, कि आप जो है अपने मन में फंसे हुए हैं, कि आपने अपने आप को मन तक सीमित रखा हुआ है, लेकिन आपका जो असली स्वभाव है वो है अपनी आत्मा में होना, अपनी आत्मा को जीना। और दूसरा यहाँ पे जो है जो त्याग की जो बात की जा रही है, इसको थोड़ा समझने की बात है। त्याग कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप कर सकते हैं, त्याग कुछ ऐसा है जो आपसे हो जाना चाहिए। जो भी त्याग आप करेंगे उस त्याग का इतना मूल्य नहीं है, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो अपने मन से करेंगे। और यहाँ पे सारा प्रयास ये है कि कैसे जो है आप अपने मन के पार चले जाएं। तो अर्जुन जब बोलता है कि मुझे जो है ये सब जो है मुझे त्यागना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा समझने की बात है। जब आप अपने जीवन के चक्र को जो है पूरे अच्छे से जो है जी लेते हैं, अपने भीतर की वासनाओं, अपने भीतर के डिज़ायर, अपने भीतर की चाह, अपने भीतर की डिज़ायर्स, अपने भीतर की इच्छाओं को जो है अच्छी तरह से देख लेते हैं और उससे मुक्त हो जाते हैं, तो त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने जो है उपवास किया और वो उपवास जो है आपने अपने ऊपर थोपा, ज़बरदस्ती की अपने आप से, फिर सारा दिन जो है खाने के बारे में ही आप सोचेंगे। मार्केट में जाएंगे तो खाने पीने की दुकानें ही दिखेंगी, और किसी तरह से उनसे बच के निकल भी आए तो रात को जो है खानों के ही सपने आएंगे। ये किस तरह का उपवास हुआ? जो भी जो है आप अपने ऊपर थोपते हैं उसके अंदर जो है ग्रेस तो हो ही नहीं सकती, उसके अंदर एक ब्लेसिंग तो हो ही नहीं सकती। उपवास के अर्थ को समझना ज़रूरी है। उपवास का मतलब है खुद के पास बैठ जाना, गुरु के पास बैठ जाना, कि जब हम उस गुरु के पास बैठे हैं तो वहाँ पर भूख और प्यास जो है मिट गई है, और उस भूख और प्यास के मिटने के कारण एक बड़ा ही स्वाभाविक ढंग से जो है उपवास घट गया, कि भोजन और पानी की याद ही नहीं रही। इस उपवास को हम कहें त्याग, इस उपवास को हम कहें प्रसाद। और वो उपवास जो आप जो है अपने ऊपर थोपते हैं वो कभी भी जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। इसलिए इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि त्याग जो है वो आपसे घटे, उसको आप अपने ऊपर ला देना, उसको जो है अपने ऊपर ज़बरदस्ती जो है ना थोपा जाए। तो फल जब पक जाएगा तो अपने आप जो है गिर जाएगा, अगर उसको तोड़ा जाएगा तो वो कच्चा रह जाएगा। और भगवान कृष्ण आपको कहते हैं कि जिस दिन आपको जो है उस भीतर की झलक मिलनी शुरू हो जाती है तो वो जो त्याग है वो जो है अपने आप ही घटना शुरू हो जाता है। फिर उसको त्याग ही क्यों कहे?
जो चीज इतने स्वाभाविक ढंग से घट रही है, जो आपका स्वभाव है, उसमें क्या त्याग? रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि मैं परम भोगी हूं। जिनको हम भोगी समझते हैं संसार में, वो क्या भोग करेंगे जो मैं भोग कर रहा हूं? मैं परमात्मा का भोग कर रहा हूं। और संसार में जिनको हम जो है सो कॉल्ड भोगी कहते हैं, वो भोग के नाम पे जो है अपने आप को जो है नष्ट कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी आपको याद दिलाते हैं कि अगर भोग ही करना है तो असली भोग करो, परमात्मा का भोग करो। और एक बार उस भोग की जो है आपको झलक मिलनी शुरू हो जाए, फिर चीजें जो है अपने आप ही जो है घटनी शुरू हो जाती है। और भगवान कृष्ण जो है हमें उसी भोग की याद दिला रहे हैं। वो आपको याद दिला रहे हैं कि इन छोटे छोटे भोगों से जो है कभी भी तुम्हारी तृप्ति नहीं होने वाली, जब तक कि आप जो है उस असली रस का जो है पान ना कर लें। क्योंकि वो ही रस जो है आपके भीतर जो है तृप्ति लाएगा, संतुष्टि लाएगा, रिलैक्सेशन लाएगा, कंटेंटमेंट लाएगा। तो अभी जिस तरह का जीवन है वो कुछ इस तरह से है कि हम जो है अपनी इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, कि हमने अपना जो कंट्रोल है वो हमने जो है अपनी इंद्रियों को दिया हुआ है। और इंद्रियों को जो ये जो कंट्रोल है वो जन्मों जन्मों से दिया गया है, बहुत समय हो गया उसको, और इतना समय से जो है इंद्रियां जो हैं हमें चला रही हैं। भगवान कृष्ण आपको याद दिलाते हैं कि वो कंट्रोल जो है वापस लेने का समय आ गया है। और जिन इंद्रियों में आपको लगता है कि सुख आपको मिल रहा है, वो एक तरह का हिप्नोसिस है, वो एक तरह का जो है सम्मोहन है जो आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं। इस सम्मोहन को तोड़ना जरूरी है। ये कुछ ऐसा ही है कि एक कुत्ता जो है जब हड्डी को चूसता है तो उसके मसूड़े से जो है खून आना शुरू हो जाता है, तो उसको लगता है कि खून जो है हड्डी से आ रहा है, लेकिन खून जो है उसके मसूड़ों से आ रहा है। और वो खुद का ही जो है खून पीना शुरू कर देता है, खुद के ही खून का स्वाद लेना शुरू कर देता है। इंद्रियों के सुख के अंदर जाना जो है कुछ इसी तरह से है। इंद्रियों के सुख में पड़ना एक तरह का धोखा है। और ऐसा भी नहीं कि आप जो है आज ही जाग जाएंगे, एकदम से जो है सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये है कि हम उसके प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं, हम उसके प्रति अवेयर हो सकते हैं, हम उसके प्रति जो है जागृत हो सकते हैं, हम जाग के जो है भूख में जा सकते हैं, और जाग के जो है धीरे धीरे वो जो एक सम्मोहन जो हमारे अंदर जो बन गया है उससे जो है मुक्त हो सकते हैं। जब तक कि हमारे जीवन में जो है कुछ श्रेष्ठ नहीं घटता, तब तक जो है जो हमारे हाथ में हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये स्वभाव है। जब तक कि हमारे को कुछ श्रेष्ठ नहीं दिखता, जब तक कि हमें उस परमात्मा की झलक नहीं मिलती, तब तक जो कंकड़ पत्थर जो हाथ में है वही हमारे लिए हीरे हैं। तो जब उन असली हीरों की झलक मिलेगी तभी जाके जो है आप जो है उन निरर्थक चीजों को छोड़ेंगे। इसलिए अर्जुन की ये स्थिति, इस वक्त उसको जो है ये एहसास होता है कि वो कभी भी इन इंद्रियों से मुक्त नहीं हो पाएगा, कि वो कभी भी इन इंद्रियों से अपना कंट्रोल वापस नहीं ले पाएगा, कि वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तब की स्थिति है जब आपको एक एहसास होना शुरू हो गया कि आपकी इंद्रियों ने जो है आपको जकड़ा हुआ है, कि आपकी इंद्रियों ने आपको खुद जो है बंदी बना रखा है। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं इससे भी बाहर निकलने का मार्ग है, और मार्ग जो है ध्यान और योग है। ध्यान और योग से जो है आपके भीतर जो है एक जागृति का जो है जन्म होना शुरू होता है। एक साधक जो है बहुत जाग कर जो है अपने काम भोगों में जो है जाना शुरू करता है, और अपने आप से जो है इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपने आप से पूछता है कि इससे मुझे क्या मिला। और एक चीज जो है आपको हमेशा से पूछनी चाहिए, एक आदत जो आपको बन चुकी है, उस आदत को रिपीट करने से पहले हमेशा अपने आप से एक चीज पूछिए कि इससे मुझे क्या मिलेगा। और थोड़ा सा एंड रिजल्ट को भी सोच लीजिए कि इसको करके जो है क्या स्थिति बनेगी, क्या इसको करके जो है मैं हर बारी जो है एक हारी हुई स्थिति में अपने आप को पाता हूं। उस चीज का रिमाइंडर एक इंपॉर्टेंट है, उस चीज की जागृति इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गुरजेफ जो कि रशिया के जो है एक बहुत महान सदगुरु रहे हैं, उनके जीवन में एक घटना है। जब वो छोटे थे तो उनको एक फल बहुत पसंद था, लेकिन उस फल को जब भी वो खाते थे उनके पेट में दर्द होता था, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। हर बारी जो है वो फल खाते थे और उनके पेट में दर्द होता था। उनके दादा को ये सब बात पता थी। एक दिन उनके दादा जो है एक पूरी टोकरी भर के जो है वो वही सेम फल जिससे उनको पेट में दर्द होता है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते, वो ले आए। और उनके दादा ने कहा कि ये सारे फल जो है आज तुझे खत्म करने होंगे। और दादा ने जो है हाथ में डंडा ले लिया कि इसको आज खत्म करने ही है। अब दादा का डर, डंडा, तो गुरजीएफ ने जो है किसी तरह से जो है वो फल खाए। स्थिति ऐसी हो गई कि उनको जो है वमन होने को लगा। तो उन्होंने कहा अभी अब मुझे माफ करो,
अब मुझसे और नहीं खाया जा रहा, मेरे को वमन की स्थिति हो रही है। लेकिन दादा ने कहा वमन की चिंता नहीं है, ये फल खत्म करने ही करने हैं। और किसी तरह से जो है गुरुजीएफ ने जो है वो पूरे के पूरे टोकरी के जो फल थे वो खत्म करे। उसके 2 हफ्ते तक जो है वो बीमार रहे, उनके पेट में दर्द रहा, परेशानी रही। और फिर वो कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनी कि मैं अब जो है उस फल की तरफ देख भी नहीं सकता, कभी जो है वो मुझे दिख जाए तो मेरे पेट में जो है दर्द शुरू हो जाता था। ये वो स्थिति है कि जब आपने अच्छे से भोग लिया, जान लिया, अच्छे से समझ लिया कि आपकी बॉडी के एक एक सेल ने जो है अच्छे से समझ लिया कि क्या उसके लिए ज़रूरी है और क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मुक्ति का सूत्र है। तो अर्जुन की इस स्थिति के अंदर भी अगर वो जो है अपने ध्यान के साथ जुड़ा हुआ है, अपने योग के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, अपने अपने प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, अपने गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहीं से जो है मार्ग निकलेगा मुक्ति का। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि आप किसी भी तरह से इस मार्ग के ऊपर चलते रहें, जिसको बुद्ध कहते हैं चरेवेति चरेवेति, कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। मार्ग में बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। अपने भीतर जो है इस संकल्प को जो है हमेशा जो है याद रखना है कि मुझे जो है इस मार्ग पे चलते रहना है। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।